हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिनको आप यूज़ करके दूसरों बंदों को आसानी से मार सकते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस, इस वाले ट्रिक के लिए आपको आ जाना है बरमूडा मैप पे, और इसके बाद आ जाना है आपको शिपयार्ड पे। शिपयार्ड पे आने के बाद आपको जाना है इसके लॉन्च पैड के पास, और लॉन्च पैड के पास आने के बाद आपको इस पेड़ की तरफ ऐसे एम करना है जैसे मैं यहाँ पे एम करूँगा। सो गाइस, आपको यहाँ पे ध्यान से एम करना है पेड़ की तरफ, और जैसे मैं एम कर रहा हूँ आपको बिल्कुल वैसे ही करना है, नहीं तो आप नीचे की साइड गिर जाएंगे। एम करने के बाद आपको अपने लॉन्च पैड को यहाँ लॉन्च कर देना है, और जैसे ही आप यहाँ पे अपने लॉन्च पैड को लॉन्च करेंगे तो आप यहाँ सामने वाले पेड़ पे बैठ जाएंगे। सो गाइस, काफ़ी अच्छी जगह है कैंप करने के लिए। यहाँ पे आप आराम से कैंप कर सकते हैं और बंदों को भी आसानी से यहाँ से मार सकते हैं। लेकिन गाइस, आपको यहाँ पे एम ध्यान से रखना पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ नीचे की तरफ गिर जाएंगे। तो आपको मैं एक बार और बताता हूँ कि आपको यहाँ पे कैसे चढ़ना है। सो गाइस, बिल्कुल ध्यान से आपको यहाँ पे एम रखना है, और बिल्कुल जैसे मैं लॉन्च कर रहा हूँ वैसे लॉन्च करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। सो गाइस, आपको ये ट्रिक यहाँ कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइस, चलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। सो गाइस, इस वाले ट्रिक के लिए आपको बरमूडा रीमास्टर्ड मैप में आ जाना है, और उसके बाद आपको आ जाना है शिपयार्ड वाले सीमेंटेड हाउस में। तो जैसे मैं यहाँ पर आ रहा हूँ आपको बिल्कुल वैसे ही आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको ऊपर की साइड जाना है। सो गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको इस खिड़की से बाहर की तरफ आ जाना है। तो यहाँ पे आपको हल्का सा जंप मार के खिड़की पे बैठ जाना है, और यहाँ बैठने के बाद आपको हल्का सा बाहर की तरफ आगे साइड में खड़े हो जाना है। सो गाइस, इस वाले ट्रिक का ये फायदा है, अगर कोई बंदा आपको इस घर के अंदर देख लेता है और वो आप पे रश करने के लिए आ जाता है, तो आप इस वाले ट्रिक को यूज़ करके इस तरफ आ जाएंगे, और जैसे ही बंदा ऊपर की तरफ आपको ढूंढने के लिए आएगा तो वो यहाँ पे देखेगा कि आप यहाँ गायब हो चुके हैं, और इतनी देर में आप यहाँ उसे खिड़की से मार सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छी लोकेशन है, आप खिड़की से बाहर निकल के कहीं पे भी घूम सकते हैं घर के चारों ओर। तो आपको मैं एक बार और बता दूँ कि आपको यहाँ पे कैसे चढ़ना है। तो अब आप मेरे को यहाँ पे ध्यान से फॉलो करना। तो गाइस, अब आपको यहाँ पे दोबारा से खिड़की की तरफ जंप करना है, और जंप करने के बाद आपको यहाँ धीरे धीरे करके इसके बाउंड्री पे यहाँ पे चढ़ जाना है। तो जैसे मैं यहाँ पे चढ़ चुका हूँ आप वैसे ही यहाँ पे चढ़ जाना, और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैं यहाँ पे स्प्रिंट भी मार सकता हूँ और अंदर की साइड यहाँ गोलियाँ भी मार सकता हूँ। सो गाइस, आपको ये ट्रिक यहाँ कैसे लगी, और चलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। सो गाइस, इस वाले ट्रिक के लिए आपको अपने फ्रेंड के साथ ट्रेनिंग मोड में आ जाना है। ट्रेनिंग मोड में आने के बाद आपको यहाँ पे गन्स वगैरह को परचेज कर लेना है। गन्स वगैरह को परचेज करने के बाद आपको जाना है सोशल जोन के अंदर, और आगे मैं फिर आपको बता दूँ कि आपको क्या करना है। सो गाइस, आपको सोशल जोन में अपने फ्रेंड के साथ आ जाना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको अपने फ्रेंड से इस जगह पर क्राफ्ट टूल को ऐसे लगवाना है जैसे मैं यहाँ पे लगवा रहा हूँ। क्राफ्ट टूल को लगाने के बाद आपको और आपके फ्रेंड को इस क्राफ्ट टूल के ऊपर चढ़ जाना है। सो गाइस, यहाँ पे आने के बाद आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो यहाँ पे बैठ जाए, और जैसे वो यहाँ पे बैठ जाएगा आपको यहाँ पे भागते हुए सर्फ बोर्ड को यहाँ पे खोल लेना है, और जैसे ही आप यहाँ सर्फ बोर्ड को खोल लेंगे आपका फ्रेंड यहाँ अंदर की तरफ चला जाएगा। तो गाइस, जैसे ही आपका फ्रेंड अंदर की तरफ पहुंच जाएगा तो आपका फ्रेंड अंदर से सीधा कॉम्बैट जोन में चला जाएगा। तो जैसा कि हम यहाँ साइड में देख सकते हैं मेरे फ्रेंड के नाम के आगे कॉम्बैट जोन वाला आइकन आ चुका है। तो गाइस, अब हमें यहाँ पे क्राफ्ट टूल को परचेस करना है। तो यहाँ पे मैं जैसे परचेस करूँगा आपको वैसे ही करना है। तो आपको शॉप पे आने के बाद अपने सर्फ बोर्ड और एंटर की दोनों को साथ में प्रेस करना है, और जैसे ही आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे शॉप वाला आइकन आ जाएगा। तो जैसे ये आइकन आ जाए आपके पास तो आपको यहाँ से लेफ्ट करके दोबारा से ट्रेनिंग मोड में चला जाना है। सो गाइस, जैसे आप यहाँ ट्रेनिंग मोड में आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे अब क्राफ्ट टूल को परचेज कर लेना है, और क्राफ्ट टूल को परचेज करने के बाद आपको यहाँ से जाना है कॉम्बैट जोन के अंदर। कॉम्बैट जोन में आने के बाद आपको यहाँ पे आपका फ्रेंड मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे अपने फ्रेंड से बोलना कि वो भागते हुए यहाँ पे सर्फ बोर्ड को खोल ले। तो यहाँ जैसे ही सर्फ बोर्ड को खोल लेगा तो आप यहाँ डब्बे के अंदर चले जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पे क्राफ्ट टूल को ऐसे लगाना है जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, और जैसे आप यहाँ पे क्राफ्ट टूल को लगा लेंगे तो आपको इस क्राफ्ट टूल के ऊपर चढ़ जाना है, और आप यहाँ पे खड़े होकर आराम से बंदों को मार पाएंगे।
सो गाइस आपको मैंने जितने भी ट्रिक्स इस वीडियो में बताए वो सारे ट्रिक्स आपको यहाँ कैसी लगी। अगर आपको सारे ट्रिक्स यहाँ पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वो भी इन ट्रिक्स को यूज़ करके दूसरे बंदों को आसानी से मार सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।